देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर हुए हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अमेरिका ने देर रात बगदाद एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें ईरान समर्थित कुर्द्स फोर्स के प्रमुख मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुलेमानी का काफिला बगदाद एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था, तभी एक रॉकेट हमले की जद में आ गया। हमले में ईरान समर्थित मिलिशिया पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस की भी मौत हो गई। इराकी अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में 8 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ले ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्देश पर विदेश में रह रहे अमेरिकी सैन्य कर्मियों की रक्षा के लिए कासिम सुलेमानी को मारने का कदम उठाया गया है। अमेरिका ने उन्हें आतंकवादी घोषित कर रखा था। सुलेमानी कई महीने से इराक स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमलों को अंजाम देने में शामिल रहे हैं। इसके अलावा बीते हफ्ते इराक में अमेरिकी दूतावास पर हुए हमले को भी उन्होंने अपनी मंजूरी दी थी। साथ ही अमेरिका ने कहा है कि ये एयर स्ट्राइक भविष्य में ईरानी हमले की योजनाओं को रोकने के उद्देश्य से किया गया। सुलेमानी को पश्चिम एशिया में ईरानी गतिविधियों को चलाने का प्रमुख रणनीतिकार माना जाता है। साथ ही जनरल कासिम सुलेमानी की मौत मध्य पूर्व से जुड़ी एक बड़ी घटना बताई जा रही है और आशंका ये भी जताई गई है कि ईरान और इसकी समर्थित मिडिल ईस्ट ताकतें अब इसराइल और अमेरिका के खिलाफ जोरदार जवाबी कार्रवाई करेगी। बता दें कि कुर्द्स फोर्स ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स की एक शाखा है, जो देश के बाहर के अभियानों को अंजाम देती है और इसके प्रमुख मेजर जनरल कासिम सुलेमानी सीधे तौर पर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के प्रति जवाबदेह थे। उन्हें खामेनेई का बहुत करीबी माना जाता था और भविष्य के नेता के तौर पर देखा जाता था।